नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि बिहार में अभी न तो विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव में भी अभी बहुत समय है, लेकिन बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। कभी जेडीयू बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है, तो कभी महागठबंधन में घमासान नज़र सामने आ रहा है, और अब बिहार की राजनीति अशोक सम्राट अशोक को लेकर गरमा गई है। बीजेपी के नेता दया प्रकाश सिन्हा, जो पूर्व IAS अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दिए जाने के बाद मामला काफ़ी गर्मा गया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सफाई देते हुए कहा है कि शंकर प्रसाद सिन्हा का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में यशस्वी सम्राट अशोक का बीजेपी सम्मान करती है। सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि सम्राट अशोक के बारे में बयान देने वालों के साथ, उनके खिलाफ बयान देने वालों के साथ पार्टी खड़ी नहीं है। सुशील मोदी लाख सफाई दें, लेकिन मामला तो उलझ गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू नेतृत्व ने नाटककार दया प्रकाश सिन्हा पर कार्रवाई करने और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की है, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा अपमान है सम्राट अशोक का, जेडीयू इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी सफाई देने सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों को तूल देना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस नेता ने ये बयान दिया है सम्राट अशोक को लेकर, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्राट अशोक की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। हमने ही 2015 में पहली बार सम्राट अशोक की 23वीं 2320वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई थी, और बिहार सरकार ने अप्रैल में उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। तो बीजेपी के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता मानने को तैयार नहीं है। मोदी ने भी कहा था कि इसी साल 9 अप्रैल को बिहार सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश दिया है। सम्राट अशोक पर जिस लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनका आज न तो कोई बीजेपी से संबंध है और ना ही उनके बयान को बेवजह तूल देने की कोई ज़रूरत है। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है। मोदी ने कहा कि हम अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सम्राट अशोक की कोई भी तुलना औरंगजेब से जैसे क्रूर शासक से करने की निंदा करते हैं। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट अशोक चौधरी ने कहा कि लेखक दया प्रसाद सिन्हा के लेख के शीर्षक औरंगजेब जैसा ही था, सम्राट अशोक का खंडन किया। सम्राट अशोक चौधरी ने कहा कि एक चक्रवर्ती सम्राट की तुलना मुगलकालीन बादशाह औरंगजेब से करना मनगढ़ंत, असत्य और काल्पनिक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को बौद्ध ग्रंथ के हवाले से कुरूप, क्रूर और पत्नी को जलाने वाला बताया जाना आश्चर्यजनक है। यदि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसा होते तो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चक्र को न तो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाता और न ही राष्ट्रीय ध्वज में पिरोया जाता और न ही राष्ट्रपति भवन के अशोक भवन बनता। तो काफ़ी ये तूल पकड़ता जा रहा है सम्राट अशोक पर दिया गया बीजेपी के नेता का बयान, और इस पर सफाई लगातार आ रही है। अब देखना ये है कि किस हद तक विवाद बढ़ता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की लगातार कोशिश जारी है कि इस विवाद को यहीं पर रोक दिया जाए। जेडीयू के नेताओं के बयान अभी भी आ रहे हैं, अभी भी वो विरोध जता रहे हैं, और इस तरह का बयान देने वाले जो लेखक हैं, नाटककार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में कब कौन बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए और किस वजह से गठबंधन महागठबंधन में घमासान मच जाए, कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सारे वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेटेस्ट खबरें पहुँचाएँ।